साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फाइनली ऑक्सीजन तक तो ये जो हमारी प्रोसेस है ये कहाँ पर होगी तो जिस प्रोसेस की यहाँ पर बात की गई है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओके या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ओके तो यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है ये मेटाबॉलिक पाथवे है थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासिस जिस पाथवे के द्वारा इलेक्ट्रॉन पास होंगे इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू अनादर ओके वन कैरियर टू अनादर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये कहाँ प्रेजेंट होगा माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर अब माइट्रोकॉन्ड्रिया हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है ओके okay? तो ये होगा हमारा इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ओके okay? तो फॉर्स दिया गया साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म तो के अंदर हमारा जो प्रोसेस होता है वो है ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होगा जो ग्लूकोज है उसकी लाइसिस होती है और इससे हमें पायरवेट मिलेगा तो यहां पर हमारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है सेकेंड दिया गया माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर दिया गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेमब्रेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और जो फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो ऑक्सीजन होगा तो करेक्ट वन इज थर्ड ऑप्शन क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर